हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 26th of September। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, I2U2 इज अ ग्रुप ऑफ इंडिया, इसराइल, UAE एंड USA। इन विच ईयर दिस ग्रुप वॉज फॉर्म्ड, आपसे पूछा जा रहा है। I2U2 जो कि भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक समूह है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 2020, 2021, 2023 या फिर 2022। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका गठन 2021 में किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, द I2U2 ग्रुपिंग हैज़ अनाउंस्ड अ जॉइंट स्पेस वेंचर एट द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। द स्पेस वेंचर विल प्राइमरली यूज द स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन डाटा एंड कैपेबिलिटीज ऑफ 4 I2U2 पार्टनर कंट्रीज, जिस वजह से यह अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। इस ग्रुप को फॉर्म किया गया था अक्टूबर 2021 में और इसका एम है टू इनकरेज ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट इन 6 म्यूचुअली आइडेंटिफाइड एरिया, जिनमें शामिल हैं वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, पेरिस या फिर बर्लिन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट वॉज हेल्ड ऑन September 20, 2023 इन न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस होस्टेड द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एम्बिशन समिट और इसका एम है टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन एज पार्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्लाइमेट एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनमें भारत है, चाइना है और यूनाइटेड स्टेट्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक टू एजुकेट एंड मोटिवेट यंग वोटर्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमिक बुक, आपसे पूछा जा रहा है। भारत के चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए एक कॉमिक बुक को लॉन्च किया है, आपको उस कॉमिक बुक का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, धमाका सिंह और चुनावी दंगल, चाचा चौधरी और चुनाव या फिर चुनावी दंगल में चाचा चौधरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इस कॉमिक बुक का नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। यहाँ आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ कॉमिक बुक बेस्ड ऑन चाचा चौधरी टू एजुकेट एंड मोटिवेट यंग वोटर्स और इस बुक का टाइटल है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। इसको रिलीज किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार ने, इसके साथ ही इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल ने। ये कॉमिक बुक एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्राण कॉमिक्स टू इंस्पायर द यूथ टू इनरोल एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एथेनॉल एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एथेनॉल के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एथेनॉल इज एन एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम सोर्सेज सच एज राइस हस्क और मेज। सेकंड, ऑल व्हीकल्स इन इंडिया विल हैव
20% ethanol in petrol compatible material by financial year 25 and 26, जिसको E20 से इंगित किया जाता है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, सिंस एथेनॉल कंटेन्स ऑक्सीजन, इट एड्स इन मोर कंप्लीट कंबशन, लोअर्स इमिशन एंड इम्प्रूव्स द फ्यूल्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। इन 2020 इंडियाज ब्लेंडिंग प्रोग्राम अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। इसके साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 20% का टारगेट पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रखा गया है। पहले ये टारगेट ईयर 2030 का था, 5 साल इसको घटा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू आदिगुरु शंकराचार्य एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आदिगुरु शंकराचार्य के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत वेदांत फिलॉसफी। सेकेंड, रिसेंटली स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य वॉज अनवील्ड इन ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, रिसेंटली मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनवील्ड अ 108-foot tall स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य एट ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था केरल के कलाडी में, जो कि सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ पेरियार रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों में से आपको कौन सा कथन गलत है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कैनेडा अकाउंट्स फॉर मोर देन 10% ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सेकेंड, कैनेडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया। थर्ड, इंडिया हैड ट्रेड सरप्लस विद कैनेडा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 and 23। आप ध्यान रखेंगे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट सही है, दैट इंडिया हैड ट्रेड सरप्लस विद कैनेडा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 and 23। यहाँ देख सकते हैं, कैनेडा अकाउंट्स फॉर जस्ट 0.56% ऑफ द टोटल FDI इन इंडिया। इसके साथ ही कैनेडा सेकेंड नहीं, फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट है इन इंडिया। कैनेडा के बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो वो इंडिया के फेवर में है। बाकी यहाँ हैं आपकी कुछ डिटेल्स जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।